इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 21 इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 21 यहोराम का राज्य। निदान यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके भाई जो यहोशापात के पुत्र थे ये थे, अर्थात अजरयाह, यही एल, जकरयाह, अजरयाह, मिकाएल और शपत्याह। ये सब इस्राएल के राजा यहोशापात के पुत्र थे और उनके पिता ने उन्हें चांदी, सोना और अनमोल वस्तुएं और बड़े बड़े दान और यहूदा में गढ़वाले नगर दिए थे, परंतु यहोराम को उसने राज्य दिया क्योंकि वह जेठा था। जब यहोराम अपने पिता के राज्य पर नियुक्त हुआ और बलवंत भी हो गया, तब उसने अब सब भाइयों को और इस्राएल के कुछ हाकिमों को भी तलवार से घात किया। जब यहोराम राजा हुआ तब वह 32 वर्ष का था और वह 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला, जैसे अहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी पत्नी अहाब की बेटी थी और वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तब भी यहोवा ने दाऊद के घराने को नाश करना न चाहा। यह उस वाचा के कारण था जो उसने दाऊद से बांधी थी और उस वचन के अनुसार था जो उसने उसको दिया था कि मैं ऐसा करूंगा कि तेरा और तेरे वंश का दीपक कभी न बुझेगा। उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपने ऊपर एक राजा बना लिया। सो यहोराम अपने हाकिमों और अपने सब रथों को साथ लेकर उधर गया और रथों के प्रधानों को मारा। यो एदोम यहूदा के वश से छूट गया और आज तक वैसा ही है। उसी समय लिब्ना ने भी उसकी अधीनता छोड़ दी। यह इस कारण हुआ कि उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था और उसने यहूदा के पहाड़ों पर ऊंचे स्थान बनाए और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया और यहूदा को बहका दिया। तब एलिय्याह नबी का एक पुत्र उनके पास आया कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तू जो न तो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चला है और न यहूदा के राजा आसा की लीक पर, वरन इस्राएल के राजाओं की लीक पर चला है और अहाब के घराने की नाई यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया है और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों को जो कुछ तुझसे अच्छे थे घात किया है। इस कारण यहोवा तेरी प्रजा पुत्रों स्त्रियों और सारी संपत्ति को बड़ी मार से मारेगा और तू अतड़ियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा, यहां तक कि उस रोग के कारण तेरी अतड़िया प्रतिदिन निकलती जाएगी। और यहोवा ने पलिश्तियों को और कुशियों के पास रहने वाले अरबियों को यहोराम के विरुद्ध उभारा और वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े और राजभवन में जितनी संपत्ति मिली उस सबको और राजा के पुत्रों को और स्त्रियों को भी ले गए, यहां तक कि उसके लुटेरे बेटे यहोआहाज को छोड़ उसके पास कोई भी पुत्र न रहा। इन सब के बाद यहोवा ने उसे अतड़ियों के असाध्य रोग से पीड़ित कर दिया और कुछ समय के बाद अर्थात 2 वर्ष के अंत में उस रोग के कारण उसकी अतड़िया निकल पड़ी और वह अत्यंत पीड़ित होकर मर गया और उसकी प्रजा ने जैसे उसके पुरखाओं के लिए सुगंध द्रव्य जलाया था वैसा उसके लिए कुछ न जलाया। जब वह राज्य करने लगा तब वह 32 वर्ष का था और यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज्य करता रहा और सबको अप्रिय होकर जाता रहा और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं।